इस फिल्म में हम देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली को जो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम ब्रेंडा होता है और वो सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने जा रही होती है। उसे अपना घर छोड़कर अपनी माँ के पास शिफ्ट करना होता है। दरअसल ब्रेंडा के पति के गुजर जाने के बाद उसकी फैमिली पैसे की प्रॉब्लम झेल रही होती है और इसी वजह से इन सब को अपना घर छोड़ना पड़ रहा होता है। ब्रेंडा अपने घर को बड़ी मायूसी के साथ देख रही होती है। जाहिर सी बात है उस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। सब कुछ तो ब्रेंडा का इसी घर से शुरू हुआ था, लेकिन आज इसे घर को छोड़ना पड़ रहा है। ब्रेंडा घर की यादों के साथ अपनी फैमिली को लेकर कार से निकल जाती है। शिफ्ट होने के लिए उसे बाय रोड 3 दिन का सफर तय करना होता है। ये सभी लोग न्यू मेक्सिको डेजर्ट से होते हुए गुजर रहे होते हैं और उसी डेजर्ट में एक जगह पैसे की डीलिंग चल रही होती है। ये पैसा असल में वहाँ के माफिया के पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी उन डीलरों में से एक आदमी का नियत उस पैसे को लेकर बदल जाता है और वो आदमी दूसरे आदमी को मारकर पैसे लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेंडा अपने कार का फ्यूल डलाने के लिए एक जगह पर रुकती है और उसकी बेटी जिसका नाम केली है उसे वहाँ पर 2 लड़के छेड़ने लगते हैं। केली गुस्से में उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देती है और फिर सारे लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी ब्रेंडा की नज़र कार के साइड मिरर पर पड़ती है और वो देखती है कि एक कार बड़ी तेजी से उनका पीछा करते हुए उनके तरफ आ रही है। ब्रेंडा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहिए होता है, पर वो लड़के कार को सामने लाकर केली पर भद्दे-भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं। ब्रेंडा अपने कार को तेज भगाने की कोशिश करती है, पर वो लोग कार को टक्कर मार देते हैं जिसके कारण कार डिसबैलेंस होकर सड़क के किनारे चली जाती है। तब केली अपनी माँ को सारी बात बताती है कि ये लड़के इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वो लड़के कार को पीछे से टक्कर मारकर वहाँ से बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो लोग चले गए और इनका खतरा टल गया, पर वो लड़के कुछ दूर जाकर इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। कार को बीच सड़क पर लगाकर ब्रेंडा बार बार कोशिश करती है कि ये लोग उसकी कार को वहाँ से जाने दे, पर वो लड़के ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ब्रेंडा के भाई को गुस्सा आ जाता है जिसका नाम रैगी होता है। वो कार से उतरने ही वाला होता है, लेकिन ब्रेंडा उसे मना कर देती है ताकि प्रॉब्लम्स और न बढ़ जाए और फिर खुद उन लड़कों के पास जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि कार को सड़क पर से हटा लो, पर वो लड़के इसकी बात को बिल्कुल नहीं मानते। तो ब्रेंडा पूछती है कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम कार को यहाँ से हटा लोगे, तो वो लोग बोलते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगो। तभी ब्रेंडा की नज़र उन लोगों के कार में रखी हुई बंदूक पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं और बिना माफ़ी मांगे ये लोग इसे जाने नहीं देंगे। तब ब्रेंडा माफ़ी मांग लेती है क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली है और वो लोग ब्रेंडा के काले रंग का मजाक भी बनाते हैं और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने की वजह से ब्रेंडा की फैमिली एक होटल में रुकती है और वो लोग खाना खाकर सो ही रहे होते हैं। तभी उनके बगल के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। सभी लोग चौंक कर जग जाते हैं और फिर उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब ब्रेंडा और रैगी दोनों कमरे से बाहर आते हैं और बगल के कमरे में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी ब्रेंडा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है और उस आदमी के गले पर गोली लगी हुई होती है और ये वही आदमी होता है जो पैसा लेकर भागा होता है। ब्रेंडा उसकी जान बचाने की कोशिश करती है और रैगी को तौलिया लाने को बोलती है ताकि उस आदमी का खून रोका जा सके। रैगी जैसे ही ड्रॉअर को खोलता है तो उसे तौलियों के नीचे एक बैग में पैसा रखा हुआ मिलता है, पर वो बैग को छोड़कर तौलिया लेकर आ जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका होता है। अगली सुबह वहाँ के पुलिस इंचार्ज कैप्टन हैमर अपने टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने साथी ऑफिसर को बताते हैं कि ये मरा हुआ इंसान मिस्टर ब्रॉस का आदमी है और ये उनका पैसा लेकर भागा हुआ था। ऑफिसर बोलता है लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पैसे का बैग नहीं मिला। तो मिस्टर हैमर उस फैमिली के बारे में पूछते हैं जिन्होंने इस मर्डर का इन्फॉर्मेशन दिया था। तब हैमर को एक ऑफिसर बताता है कि उनका स्टेटमेंट लेकर उन्हें हमने जाने दिया है। तो मिस्टर हैमर बताते हैं कि अब उस फैमिली को जान का खतरा है क्योंकि उन्होंने इस मर्डर की जानकारी पुलिस को दी हुई थी। इधर ये पूरी फैमिली उस होटल से बहुत दूर निकल चुकी होती है। तभी ब्रेंडा को मिस्टर हैमर का कॉल आता है ताकि ये लोग फिर से होटल वापस आ जाएं और इनसे कुछ और सवाल पूछा जा सके, पर ब्रेंडा वापस आने से बिल्कुल मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद ब्रेंडा के फोन पर फिर से एक कॉल आता है जो एक अनजान नंबर से होता है और वो इंसान ब्रेंडा के नाम पहले से ही जान रहा होता है। तो ब्रेंडा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है जब वो इंसान बैग में रखे पैसे के बारे में पूछता है। ब्रेंडा को पैसे के बारे में कुछ नहीं पता होता तो ब्रेंडा फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर आगे एक जगह पर पूरी फैमिली खाना खाने के लिए रुकती है। तब ब्रेंडा को अपने भाई पर शक होता है क्योंकि वो ब्रेंडा से अपनी आंखें चुरा रहा होता है। तभी ब्रेंडा के बार बार पूछने पर रैगी पैसे के बारे में बता देता है। उसे वहां पर एक पैसे से भरा बैग मिला था और वो बैग अपने साथ लेकर आया है। रैगी बोलता है इस पैसे की वजह से हम सबकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्रेंडा उस पैसे के बैग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसी पैसे की वजह से उस आदमी की जान गई थी और अब हमारी फैमिली भी खतरों में है, हमें ये पैसे उनको लौटाने होंगे। ब्रेंडा को दूसरी बार उसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो ब्रेंडा बोलती है कि पैसे उसके पास हैं और वो एक कमरे के ड्रॉअर में रख रही है और चाबी दरवाजा के मैट के नीचे रखा हुआ मिलेगा। और वो इंसान के बार बार पूछने पर भी ब्रेंडा अपना लोकेशन नहीं बताती ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके। लेकिन जब पैसे को ब्रेंडा रखने जाती है तब वहां पर एक लड़की क्लीनिंग का काम कर रही होती है और वो लड़की ब्रेंडा को बैग रखते हुए देख लेती है। ब्रेंडा बैग का पिक्चर लेकर अनजान नंबर पर भेज देती है और उस होटल से ब्रेंडा अपने फैमिली को लेकर निकल जाती है। रास्ते में एक जगह पर ब्रेंडा सबको घुमाने जाती है। रैगी अभी भी उसी पैसे के बारे में सोच रहा होता है। तब ब्रेंडा उसे समझाती है कि उस पैसे से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला और फिर ब्रेंडा अपने फैमिली के साथ चर्च में विश करती है कि आगे सब उसकी फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा हो। और ब्रेंडा ब्रेक करके चर्च से जैसे ही बाहर आती है तभी उसे अनजान नंबर से फिर से कॉल आता है और वो इंसान अपने पैसे फिर से मांगता है। तो ब्रेंडा गुस्से में बोलती है कि पैसे वहीं पर रखे हैं। तब वो आदमी बोलता है पैसे लाने की जगह मैं तय करूंगा, तुम नहीं, और पैसे लेकर नहीं आई तो तुम्हारा बेटा मेरे पास है, मैं उसे मार। ये सुनते ही ब्रेंडा अपने भाई के पास केली को छोड़कर पैसे लौटाने खुद चली जाती है और वहां जाकर जब देखती है तो बैग गायब होता है। फिर जब बाहर बालकनी से देखती है कि एक लड़की पैसे का बैग लेकर भाग रही है। ब्रेंडा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकती नहीं, भागने लगती है। तब ब्रेंडा उसका पीछा करने लगती है, बहुत बार रोकने की कोशिश करती है पर वो लड़की रुकती नहीं। तब ब्रेंडा उसकी कार को टक्कर मारकर पलटा देती है और उसकी कार का मिरर तोड़कर बैग निकाल लेती है। तभी पीछे से उस लड़की के और भी साथी आ जाते हैं और ब्रेंडा को पैसे छोड़ने के लिए बोलते हैं। ब्रेंडा उनकी बात सुन ही रही होती है तभी वो लड़की अचानक से ब्रेंडा पर हमला कर देती है जिसके वजह से ब्रेंडा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि रात हो गया है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर वो किसी तरह उस रस्सी को काट ही रही होती है तभी एक आदमी ब्रेंडा को देख लेता है और ब्रेंडा को घसीटकर अपने साथियों के पास ले जाता है। फिर बातों ही बातों में ब्रेंडा को मौका मिल जाता है उन सबको मारने का और मारते वक्त उसके हाथ में एक बंदूक लग जाता है। उन सबको लगता है कि ब्रेंडा बंदूक नहीं चला सकती। फिर ब्रेंडा सामने वाले के पैर में गोली मार देती है और फिर उन सबको बताती है कि ये पैसे मिस्टर ब्रॉस का है। तो सब डर जाते हैं और सारे पैसे जल्दीबाजी में इकट्ठे करने लगते हैं जो ज़मीन पर बिखरा होता है और फिर ब्रेंडा को वापस करके दे देते हैं। ब्रेंडा वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। इधर रैगी और केली से मिलने मिस्टर हैमर आ जाते हैं और केली से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं और उस मर्डर और पैसे के बारे में पूछते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम सबकी जान को खतरा होगा। अगर तुम चाहती हो अपने मॉम की जान बचाना तो तुम्हें सब कुछ मुझे सही ढंग से बताना होगा। तब रैगी केली को इशारा करता है चुप रहने के लिए। फिर मिस्टर हैमर बाहर आ जाते हैं। तब केली बाहर दौड़कर आती है और मिस्टर हैमर को सब कुछ बता देती है। इसके बाद मिस्टर हैमर अपने साथ केली को और रैगी को अपने घर ले जाते हैं ताकि ये लोग सेफ रह सकें। आगे हम देखते हैं केली और रैगी को, जिनको मिस्टर हैमर बता रहे होते हैं कि तुम लोग बहुत ही सुरक्षित हो, यहाँ पर अगर कोई आएगा तो मेरी पत्नी उनसे निपट लेगी। और फिर मिस्टर हैमर अपने बीवी से मिलाते हैं और इन लोगों से बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के किसी खास इंसान से मिलाता हूँ। और मिस्टर हैमर जब कार की डिक्की खोलते हैं तो वहाँ पर केली का भाई डिक्की में पड़ा होता है और फिर हमें यहाँ पता चलता है ये मिस्टर हैमर ही मिस्टर ब्रॉस हैं। मिस्टर हैमर इन सबको एक तहखाने में बंद कर देते हैं। इधर ब्रेंडा वहां जब पहुंचती है जहां कैली और रैगी को छोड़कर गई होती है, पर उन्हें वहां ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कैली को बार बार कॉल करती है। तो मिस्टर हैमर अभी भी मिस्टर ब्रॉस बनकर बात करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें दूसरे लोकेशन पर पैसे लेकर आने हैं। बैंड्रा बहुत ही स्पीड से कार चलाती है ताकि जल्दी पहुंच सके। इस चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से बैंड्रा को चोट भी लगती है। इधर रैगी और कैली निकलने के लिए खिड़की तोड़ देते हैं और जैसे ही कैली निकलने की कोशिश करती है एक कुत्ता उसके हाथ को काट लेता है। खिड़की के कांच टूटने की वजह से मिस्टर हैमर नीचे की तरफ आने लगते हैं, पर रैगी पहले से ही प्लान किया रहता है। उनके नीचे आते ही उन पर पानी में ब्लीच मिलाकर गिरा देते हैं और बड़ी चालाकी से घर से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर हैमर की वाइफ कैली पर हमला करती है तो रैगी आकर कैली को बचाता है और मिस्टर हैमर और उसकी पत्नी को अंदर ही कमरे में लॉक कर देते हैं और तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलकर कैली अपनी माँ को फोन करती है। बैंड्रा तब तक पास में पहुंच चुकी होती है और बैंड्रा जब आती है तो बच्चे दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। फिर कैली अपने मॉम को बताती है कि मिस्टर हैमर ही मिस्टर ब्रॉस हैं। फिर लाए हुए पैसे को बैंड्रा वहां पर रखने को बोलती है। रैगी अभी भी कह रहा होता है कि पैसे लेकर चलते हैं, पर बैंड्रा नहीं मानती क्योंकि जो भी हो रहा होता है इसी पैसे की वजह से हो रहा होता है, इसलिए बैंड्रा उसे पैसे रखने को बोलती है। तभी मिस्टर हैमर पीछे की तरफ से आ जाता है और फिर बैंड्रा पैसे को छोड़कर वहां से निकलने लगती है ताकि मिस्टर हैमर उनका पीछा छोड़ दें और उनको अपना पैसा मिल जाता है। और वो तब भी इन सब लोगों का पीछा करते हैं क्योंकि ये सब उनका राज जान चुके होते हैं। मिस्टर हैमर इन सब पर गोली चलाने लगते हैं। तभी रैगी बैंड्रा को एक बंदूक देता है जो मिस्टर हैमर के घर से चुरा कर लाया था। बैंड्रा गोली से कार की हेडलाइट उड़ा देती है जिससे मिस्टर हैमर को ढंग से दिखाई नहीं देता और उनकी कार पीछे ही रह जाती है। लेकिन तभी डबल स्पीड के साथ मिस्टर हैमर कार को लेकर आगे आ जाते हैं और गोलियां फिर से चलाने लगते हैं। ब्रेंडा का बैलेंस बिगड़ने लगता है जिसके वजह से वो कार से बाहर गिर जाती है। तो बैंड्रा बोलती है कि मुझे मारकर इन लोगों को छोड़ दो। तो मिस्टर हैमर तेज स्पीड के साथ बैंड्रा को कुचलने आते हैं। तभी बैंड्रा उसकी कार में फ्लेयर जलाकर फेंक देती है। बुझाने के चक्कर में अपनी ही पत्नी को गोली मार देते हैं और इसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरी स्पीड के साथ एक पेड़ में जाकर टक्कर मार देते हैं और कार में वहीं पर आग लग जाती है। बैंड्रा की पूरी फैमिली वहां से निकलती है और एक जगह पर खाना खाने रुकती है। तो रैगी बोलता है कि जो भी खाना खाना हो, ये जो भी पेमेंट आएगा मैं खुद करूंगा। ये देखकर बैंड्रा थोड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर रैगी उन्हें बताता है कि कुछ पैसे वो बैग से निकाल कर ले आया है और वो पैसे इनके परिवार के लिए काफी होता है। थोड़ी देर के लिए बैंड्रा गुस्सा होती है, पर वो फिर मान जाती है क्योंकि उस पैसे को लेकर उसके बच्चे और उसका भाई बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी को देखकर बैंड्रा भी खुश हो जाती है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।